नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर की थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान लापता हुई 3 नाबालिग बच्चों को 2 घंटों में ढूंढ निकाला, परिजनों की किया हवाले। जंडियारा गुरु के भगवान वाल्मीकि मंदिर में श्रद्धा भाव से मनाएगी वाल्मीकि जयंती। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। श्री राधा गोविंद धाम परिवार की ओर से मनाया गया 23वां शरद पूर्णिमा महोत्सव। प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने शहर में आयोजित शोभा यात्रा के दौरान लापता हुए 3 नाबालिग बच्चों को सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला। पुलिस ने मात्र 2 घंटों में बच्चों के परिवारों को पत्र लगाकर आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उन्हें उनके परिवारों से मिलवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिवस 3 बच्चे बस्ती शेख चाइया मोहल्ला के पास शोभा यात्रा में शामिल होते हुए रास्ता भटक गए, जिसके बाद जालंधर के पुलिस अधिकारियों ने तुरंत बच्चों को सुरक्षा में लिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट भेजा और त्वरित समाधान की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा IPS ने पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 5 के अधिकारियों की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की, तो वहीं कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने अपने कर्तव्य निष्ठा और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। यात्रा में आज बस्ती सेठ में हमारे 3 बच्चे आज गुम हो गए थे, जहाँ पे हमने पुलिस चौकी में कंप्लेन की और हमारे सर जो है सभी ने बहुत कोशिश करके 2 घंटे में हमें यहाँ पहुँचाए और हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर हमारे लिए बहुत ही मेहनत किए। हम सलूट करते हैं सर को कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके हमारे सामने में हमारे बच्चे को खोज के दिए। हम इसलिए हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे बस्ती से 5 नंबर चौकी से हमें बच्चा प्राप्त हो गया, हमारा बच्चा हमारे सामने। भगवान वाल्मीकि जयंती भगवान वाल्मीकि मंदिर नथवाना चंडियारा गुरु में बड़ी श्रद्धा भाव से मनाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान झंडे की रस्म के दौरान भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सभी देशवासियों को इस दिन की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के दिए गए उपदेशों पर चलना चाहिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की माता सोहिंदर कौर, भाई सुखविंदर सिंह, सतेंद्र सिंह शहरी, प्रधान सरबजीत सिंह, डिम्पी सुनैना रंधावा और तरसेम सिंह भी उपस्थित रही। जंडियाला पुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पावन प्रगट दिवस महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का अब पूरे देश विदेश के दे बड़ी श्रद्धा के नाल मनाया जा रहा। अज बड़ी खुशी है कि साडे रहबर महर्षि भगवान वाल्मीकि जी प्रगट होए सीगे और उन्होंने समुची मानवता की भलाई वास्ते सानू सिख्यावां दित्तियां। रामायण के माध्यम राही सानू एक सुचा जीवन बतीत करन दियां योजनावां जड़ियां सीगियां वो दसियां। सो उन्हां दियां बख्शिशां ते जिहड़े चलदे होए असीं अज अपना जीवन सफल कर सकदे हां। सो अज महर्षि भगवान वाल्मीकि जी दे मंत्र दे विच जंडियाला गुरु विच नतमस्तक हो के उन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त कीता। श्री राधा गोविंद धाम परिवार द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। तो वही कार्यक्रम में संजीव दरबार में सफेद वस्त्रों में सुशोभित श्री राधा गोविंद जी की असंख्य झोड़ियां भक्तों को आकर्षित कर रही थी। वहीं प्रसिद्ध भजन गायक
अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा ने महामंत्र व गुरु वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की और मधुर भजनों के माध्यम से माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस उत्सव के दौरान ठाकुर जी को रिझाने के लिए सभी भक्त अपने मन के भावों से संकीर्तन और महारास में शामिल हुए, जिसके पश्चात चंद्र किरण युक्त अमृत तुल्य खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र धवन, श्याम अग्रवाल, के शर्मा, राजन मनहन, भविष्य शर्मा, गगनदीप, प्रवीण कोहली, शिव वर्मा सहित कई धार्मिक समितियों के सदस्य और राजनीतिक व सामाजिक हस्तियां भी शामिल रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विरसा सिंह बलटोहा द्वारा की जा रही निम्न स्तर की बयानबाजी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि विरसा सिंह बलटोहा द्वारा उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ गलत शब्दावली इस्तेमाल की गई है। इतना ही नहीं, उनके परिवार को धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो वहीं उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जथेदार के तौर पर सेवा बख्शाने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। तो वहीं सिख संगतों से माफ़ी मांगते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से सुरक्षा वापस लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वे तख्त का जथेदार होने के साथ साथ बेटियों के पिता भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये सब कुछ शिरोमणि अकाली दल की सोशल मीडिया द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इस पर पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अपनी कौम नूं, अपने पंथ नूं ये जानकारी देना चाहना कि विरसा सिंह बलटोहा जो लगातार सिंह साहिबान के खिलाफ करदार कुशी कर रहा है, उस खिलाफ़ कल श्री अकाल तख्त साहब तो पंथ सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया। उस तो बाद भी वो लगातार हर घंटे करदार कुशी कर रहे हैं। खास तौर के उत्ते मैनू निशाना बना के
और हुण उस वल्लों निचता दीआं हद्दां जिहड़ीआं उह पार कर दित्तीआं गईआं ने, सुनेहे भजवाए जा रहे ने मेरे परिवार नूं नंगियां करन लई और मेरीआं तीआं तक नूं फड़न लई। और इह गल्लां बर्दाश्त तों बाहर है। और सब तों वड्डी गल कि उहदी पुश्त बनाई श्रोमणी अकाली दल दा सोशल मीडिया विंग कर रहा, और श्रोमणी अकाली दल दे ओह लीडर जिन्हां नूं टोनी टोनी कहा जाता, जिन्हां नूं पंथक परंपरावां मर्यादावां दा उक्का ज्ञान नहीं, वो उहदी पुश्त बनाई कर रहे। खाड़ी देशों में लोगों की मसीहा के तौर पर जाने जाते दुबई की प्रसिद्ध कारोबारी और सरबत दा बला चैरिटेबल ट्रस्ट के सरपरस्त डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय के प्रयासों से जलंधर जिला की तहसील फिलौर के नज़दीकी गांव तेहिंग के रहने वाले 49 वर्षीय हरविंदर सिंह की मृतक देह 2 महीनों बाद दुबई से श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पहुंची। इस दौरान मृतक देह सरबत दा बला ट्रस्ट के जिला जनरल सचिव मनप्रीत सिंह संधु, वित्तीय सचिव नवजोत सिंह घई और परमिंदर संधु द्वारा प्राप्त कर पारिवारिक सदस्यों को सौंपी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनप्रीत सिंह संधू ने बताया कि हरविंदर सिंह भी दूसरे नौजवानों की तरह लगभग 17 वर्ष पहले अपने बेहतर भविष्य का सपना लेकर दुबई गया था, जिसकी गत 16 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस दुखदायी घटना संबंधी मृतक की बहन ने संपर्क कर उन्हें बताया था और उसके भाई की मृतक देह को उनके जत्ती कुओं भेजने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास की मदद से सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर मृतक हरविंदर सिंह की देह को भारत उनके वारिसों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि मृतक देह को भारत भेजने के लिए आया खर्च उसकी कैनेडा में रहती बहन द्वारा किया गया, तो वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय का उनकी मदद करने पर आभार व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सुरजीत सिंह, पिंड तेंग तहसील फलौर डिस्ट्रिक्ट जलंधर दा हाँ। मेरे भतीजे की डेड बॉडी अज दुबई तो आ रही है। मैं ओबराय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, उन्होंने ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जिन्होंने बहुत मेहनत सदका साढ़े भतीजे की डेड बॉडी पहुँचाई। इस करके असी मूँह देख सकते हैं उसका। लगभग 2 महीने हो गए जी। मैं मनप्रीत सिंह संधु अमृतसर टीम तो, अज असी इत्थे हरविंदर सिंह उन्हां दी जिहड़े फलौर तहसील नाल संबंधित तेंग पिंड दे रहण वाले सी उन्हां दी डेड बॉडी रिसीव करके परिवार नूं सौंपण आए हाँ। इन्हां दी हरविंदर सिंह दी उत्थे जिहड़ी मौत हार्ट अटैक नाल 16 अगस्त नूं करीब अज तो 2 महीने पहलां हो गई सी, ते इन्हां दे जिहड़े भैन जी ने हरविंदर, जिहड़े मृतक हरविंदर ने, उन्हां दे सिस्टर एक कनेडा रहिंदे सी एक इटली रहिंदे सी, उन्हां ने सरदार एस पी सिंह ओबराय जिहड़े मुखी ने सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट दे, उन्हां नाल संपर्क करके अपील कीती सी कि साढ़े भरावां दी मृतक शरीर नूं भारत भेजण विच साडी मदद कीती जावे। इस उपरंत ओबराय साहब ने सारी कागजी कारवाई मुकम्मल करके अज डेड बॉडी इत्थे भेजी आ, ते परिवार नूं असीं इत्थे सौंपण आए हाँ। मैं इत्थे दसना चाहुंदा कि जिहड़ा ये डेड बॉडी भेजण दा खर्च सीगा उह सारा परिवार वल्लों कीता गया, इन्हां दी सिस्टर ने कीता है, हरविंदर उन्हां दी ने कनेडा वालिया ने, ते असीं सारी कागजी कारवाई ओबराय साहब ने मुकम्मल करवाई है जी, ते अज डेड बॉडी इत्थे परिवार नूं सौंपण आए। ऑल इंडिया इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जालंधर के होटल में सीएमई का आयोजन किया गया। ये सीएमई हिमालय वेलनेस कंपनी के सहयोग से आयोजित की गई। सीएमई में डॉक्टर रिम्पल जीत कौर बतौर गेस्ट स्पीकर शामिल होकर लीवर डिजीज और डायबिटीज के प्रमुख कारणों और इसके बचाव संबंधी विस्तार से बताकर डॉक्टरों का उचित मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों की ओर से पूछे गए सवालों के भी विस्तार से जवाब दिए। इस मौके पर हिमालय वेलनेस कंपनी की प्रमुख डॉक्टर अलीशा शर्मा ने भी कंपनी की प्रोडक्ट्स और उनकी खूबियों के बारे में विस्तार से बताया। इससे पहले संगोष्ठी की शुरुआत श्री धनवंतरी पूजन के साथ हुई, जिसमें संगठन के प्रधान डॉक्टर जसजीत सिंह, गेस्ट स्पीकर और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। लिवर इन्फेक्शन ते डायबिटीज़ बारे हो रही है, साढ़े जिहड़े माहर डॉक्टर ने वो अपने
अज असि लिवर डिजीज के उपर गलबात करे हुए हैं। लिवर डिजीज जो है टाइम के चौथा जो लार्जेस्ट नंबर है जिसके करके जो डैथ हो रही है जो लिवर डिजीज है जिस तरह की जो लिवर है वह एक मैटाबॉलिक हब मनिया जाता है कि जिद सारे जो फंक्शन है अगर लिवर ही खराब हो जाएगा तो वो करके बहुत सारिया जो डिजीज जिदा ओबेसिटी है डायबिटीज़ है और होर बहुत सारिया सिरोसिस है डिजीज हो जाती है। इस टॉपिक को डिस्कस करने लिए कि जो किस तरह सानू अपनी लिवर की टेक केयर करनी चाहिए है कि खाना चाहिए कि पीना चाहिए उन्होंने चीज़ों बारे और की मेडिकेशन ने आयुर्वेद उन्होंने चीज़ों बारे डिस्कस करने लिए अच्छे से बैठे हो। डॉक्टर साहब आयुर्वेद में इसका प्रॉपर इलाज है? आयुर्वेद के हाँ जी आयुर्वेद में प्रॉपर ट्रीटमेंट दसा गया है। आयुर्वेद जिस तरह दसा जाता है कि कोई भी डिजीज है चाहे वह किसी भी कारण करके हो रही है उन्होंने अगर असं आयुर्वेद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं और कि असं अपने डाइटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो वो क्योर हो सकता है। शीनिक एंटरटेनर की ऑर्गेनाइजर शिल्पा धीर पारुल सेठ और कुसुम ने बताया कि सुहागिनों के पर्व करवा चौथ को लेकर उनकी ओर से 20 अक्टूबर को प्रेसिडेंट न्यूपोर्ट जालंधर में करवाए जा रहे इवेंट की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। तो वहीं इवेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने स्थानीय होटल में बैठक की जिसमें उन्होंने सभी सहयोगी महिलाओं को इस इवेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए ड्यूटियां सौंपी। इस करवा चौथ इवेंट को लेकर महिलाओं और युवतियों में उत्साह पूरे चरम पर नजर आ रहा है और वे हर प्रकार से धमाल मचाने को तैयार पर तैयार हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर के रामबाग मंदिर से लेकर रहमानपुर तक जाने वाली सड़क जो कि काफ़ी खस्ता हाल थी जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जिसके संबंध में इलाकावासियों की ओर से समस्या संबंधी आप नेता मोंटू सब्रवाल को अवगत करवाया गया जिसके बाद मोंटू सब्रवाल ने क्षेत्र इंचार्ज राजविंदर कौर थ्याड़ा को इस संबंधी अवगत करवाया जिसके चलते राजविंदर कौर थ्याड़ा द्वारा पहल के आधार पर इस सड़क के निर्माण कार्यों को शुरू करवाया गया जिसके चलते अशोक सोहोता बलदीप राज अटवाल विनोद कुमार नोनी अनवर गिल ने क्षेत्र इंचार्ज राजविंद्र कौर थ्याड़ा और आप नेता मोंटू सब्रवाल का उनकी समस्या का निदान करवाने पर
आभार भी व्यक्त किया। जलंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज असी सारे इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तुसी सारे देख रहे हो। ये वो रोड है जिहड़ा कि रामबाग मंदिर तो लैके रहमानपुर रोड तक जाता सी, जिसकी आन बीते दिनों दे विच बहुत बुरी हालत सी। और जिस तरह की सबनों पता है कि साढ़े भगवान वाल्मीक महाराज जी का प्रगट दिवस भी आ रहा है, और इलाका निवासियों के पुरजोर सिफारिश से और मंग से और खास करके इतों की दीपनगर वैलफेयर सोसायटी के और भगवान वाल्मीक मंदिर कमेटी के पुरजोर सिफारिश और मंग करते साढ़े साड़ी भैन मानयोग राजविंदर कौर थिहाड़ा जी जो कि हलका इंचार्ज ने इतों के उन्होंने पहल के आधार पर यह सब इलाका निवासियों को एक गिफ्ट दिता है कि पहल के आधार पर मौके पर जिदा कि भगवान वाल्मीक महाराज जी का जिदा प्रगट दिवस है और दो दिन पहला ही यह सड़क बनवाई जा रही है। तो असं सारे इस चीज़ का माण महसूस करते हैं कि इन्होंने साबित किया कि साढ़े इलाका निवासियों साड़ी कम्यूनिटी के लोगों और इतों के जिन्हें भी लोग ने सारे उन्होंने भैन अपना भैन भरा वाला प्यार दिखाया है, और असी यह विश्वास दवाने कि असी भी सारे उन्होंने नाल खड़े हाँ। और ये सारे काम के खास योग साडे वीर मोंटू सप्परवाल जिन्हों के सदके सारा काम सिरे चढ़िया है, और जिन्हें भी साडे दीपनगर वैलफेयर सोसायटी के अहुदेदार आ सारे इत बैठे ने, करनल साहब ने, सूबेदार साहब आ, ब्रदर पवन जी ने, आ साडे भगवान वाल्मीक मंदिर कमेटी के प्रधान जी ने, सोता साहब, असी सारे इकट्ठे होके सब इन्हों का खास करके मान सरकार का और भैन राजविंदर कौर थिहाड़ा जी का और साडे इतों के नेता मोंटू सप्परवाल जी का धन्यवाद करते हैं। हिंदुओं का महापर्व दीपावली आ रहा है, लेकिन इस बार दीपावली को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इस बार कुछ लोगों का कहना है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए, जिसके चलते श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी विद्वानों व 1008 महामंडलेश्वरों व पंडितों को बुलाकर एक विशेष मीटिंग पर विचार विमर्श कर पंचांग के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। ये जानकारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच ने मीटिंग के दौरान दी। इसलिए उन्होंने सभी राम भक्तों से दीपावली का त्यौहार पंचांग अनुसार 1 नवंबर को मनाई जाने की अपील की। इस अवसर पर मंदिर के सेवादार सुरेंद्र अग्रवाल, प्रदीप विच, दविंदर साहनी, इंस्पेक्टर सोडीलाल, पंडित रवि प्रताप शुक्ला, पंडित अद्वितीय शर्मा, पंडित अनूप मिश्रा, पंडित विष्णु प्रसाद गौतम, पंडित कृष्ण गोपाल, पंडित मोहन पांडे, पंडित राजनाथ मिश्रा भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय माता दी, जय श्री राम। दीपावली जड़ी साडा बहुत वड्डा त्यौहार है, वो आ रहा है। देशवासियों को इस त्यौहार पर लख लख वधाई होए। मैं देवी तलाब मंदिर कमेटी वालों एक शहर वासियों और पंजाब वासियों को संदेश देना चाहना, जी दीपावली है यदा कोई चल रहा, कोई कह रहा 31 अगस्त, कोई कहता 1 नवंबर। अभी अज सारे विद्वानों को बुलाया थी, ब्राह्मण आए थे और मंत 1008 दोनों सलाह करके ये देवी तलाब मंदिर कमेटी वालों शहर वासियों को संदेश दिता जाता जी दीपावली वह 1 नवंबर की बनती है। असी सारा कुछ देख लिया और जी मंदिर की अखबार दैनिक सवेरा वेद असी प्रेस बोर्ड दे रहे हैं, कृपा करके उन्होंने पढ़ लो और उन्होंने फॉलो करो। कोई भी किसी तरह का भी किसी को भी कोई ना रवे, 1 नवंबर बनती है। सारा संतान और साढ़े जिन्हें भी ब्राह्मण है उन्होंने चंगी तरह शास्त्र देख के ये डिकलेयर किया। सो मैं एक बार देवी तलाब मंदिर कमेटी वालों साढ़े प्रधान आदि शीतल बीर जी वालों कमेटी के मैंबर वालों दीपावली के तुम सारे लख लख वधाई देना, और मंदिर वालों चाहे आदेश समझ लो चाहे समझ लो भी 1 नवंबर बनती है, कृपा करके 1 नवंबर में मनाओ दिवाली। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर जालंधर में से भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसी उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रधान सोमा गिल की अध्यक्षता में नवकुश चौक में भव्य मंच लगाकर विशाल स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक महेंद्र भगत, आप नेता दिनेश हल, चंदन गरेवाल, शशि शर्मा, भगवान वाल्मीकि आश्रम
ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਸਪਰਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ ਕੋ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਏ ਵੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਾ ਵਿਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਗਣਮਾਨਿਓ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਸਿਰੋਪਾ ਏਵਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਬਰਵਾ, ਰਾਜੂ ਡਾਬਰ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੀਟਾ ਸਾਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਅਸੋਨੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਸੰਧਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਂਧੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਨੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿੰਕੂ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਮ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੱਜਣ ਸੰਗਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੋਨੂ ਨਾਹਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਗਗਨ ਗਿੱਲ, ਲੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਕਰਨ ਵਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਸੰਹੋਤਰਾ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰਨੀ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਅ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਈਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹ ਦੁਹਾੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਬੋਲੀਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕ੍ਰੇਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗਣੇਸ਼ ਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੱਟੂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
और नाल परम पिता परमात्मा की अरदास करना परमात्मा जी के बच्चों ने बड़ा ही उत्साह के नाल इतनी वड्डी स्टेज का इंतजाम किया है, लंगर लगाया है। परमात्मा ने परमेर याद रखन भगवान वाल्मीकि महाराज जी इतने ही तरक्या कर, क्योंकि असं बड़े भागा वाले जहाँ अपने गुरुआ के जन्म दिहाड़े प्रगट दिवस मनाने का मौका मिले है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भरा सोमा गिल जी बहुत ही सत्कार जो मेरा वड्डा भरा बिला सबरवाल जी, बहुत ही प्यारा मेरा भरा रिंकू जी, रिंकू बैंस जी, पूरी समुची कमेटी और हर साल बहुत ही खूबसूरत मंच सोमा गिल जी वालों इन्हों की समुची कमेटी वालों बहुत वधिया मंच जिहड़ा लगा के सारे नूं सन्मान सरूपिया राही और परमात्मा के सरूप दे के हर साल नवाजिया जाता। और जिस तरह सोमे वीर ने दसिया कि 25 साल अज एनिवर्सरी है और मैं बहुत बहुत बधाई अपने भरा नूं दिंदा अपनी पूरी उस कमेटी वालों पूरे समुचे समाज को बहुत बहुत बधाई देना। और मैं ये भी महसूस करता, मैं गल करता सीगा अपने वड्डे भरा रिंकू भाजी ना बड़े लंबे समय तो खोसला साहब नार साहब इस तरह ही शोभा यात्रा बहुत वड्डे पद्धर ते हर साल करते और परमात्मा नूं प्यारे हो गए। उन्हां दी शिक्षा उन्होंने दिखाए महाराज अच देखो उड़े ही वे पत्थर से शोभा यात्रा निकल रही है। तो मैं रिंकू भाजी ने गल कह रही कि रिंकू भाजी खोसला साहब साढ़े व्डे से बजुर्ग से साढ़े नाल ही है, जो तुम अगे हो के अगवाई कर रहे हो तो मैं समझता खोसला साहब साढ़े नाल ही। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक नम्मा पिंड चौक चरंदर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान बाबा गौरी गिरी से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में हुतियां डरवाई गई। तो वहीं माँ बंगला मुखी धाम के मुख्य सेवादार नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को मनुष्य को जीवन में कर्म की परिभाषा का व्याख्यान करते हुए कहा कि जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म ही मनुष्य की पूजा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वेग से बहती हुई नदी की जो धारा सागर तक पहुँच जाती है उसी प्रकार कर्म में लीन मनुष्य ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इस अवसर पर श्रीकंठचार्य श्वेता भारद्वाज, मुनीश शर्मा, निर्मल शर्मा, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, अमनदीप शर्मा, बलदीप सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जालंधर के मकसूदा स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि के प्रकाश उत्सव के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागरा परिवार द्वारा हवन, पूजा अर्चना और भंडारी का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान वाल्मीकि जी की महिमा का गुणगान किया। तो वहीं मुख्य अतिथि तरसेम लाल भागरा, रोडिशनल निगरान इंजीनियर वेस्ट डिविजन पावरकॉम स्त्री सनी भागरा ने इस पावन अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक बताया। इस अवसर पर सुदेश रानी, मनीषा भागरा, सुनील भागरा, अनुराधा भागरा, एसडीओ कमलप्रीत गिल, एसडीओ नवीन कुमार, एसडीओ प्रदीप सैनी और वेस्ट डिवीजन का समूह जे स्टाफ भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुआ। वहीं विशेष अतिथियों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल करतारपुर के डीपी मास्टर मंगत राम, सतनाम राम, कपिलेश जेठी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। सब तो पहला जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि, देशा विदेशा ते अपने भारत विच ते जालंधर वासियां बस दे सारे लोगों नूं
मेरे वालों जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि ते भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दियां सारे ही साथियों नूं लख लख बधाई दिंदा हां। साडे एक्सीएन साहब सनी बागरा जी अते उहनां दा समूह परिवार जिहड़ा कि मकसूदा भगवान वाल्मीकि जी मंदिर दी सेवा बहुत ही सालां तों कर रहे आ ते हर प्रगट दिवस ते अटूट एक विशाल जिहड़ा लंगर लगांदे आ ते जिन्नियां भी जथेबंदियां समाज दियां समाज सेवक आ उहनां नूं बुलांदे आ ते उहनां दा जिहड़ा कि पूरा उहनां दा इज्जत माण करदे आ ते मैं बागरा जी नूं उहनां दे सारे परिवार नूं अपने वल्लों अपनी समूह टीम वल्लों भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दियां लख लख वधाई दिंदा हां। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सृष्टिकर्ता त्रिकालदर्शी वाल्मीकि महाराज जी दे प्रगट दिहाड़े दिया समूह बागरा परिवार तो वलों असी शहर वासियों नूं लख लख वधाई दिंदे आ। समूह देश वासियों नूं समूह संसार नूं जिथे जिथे महाराज की ज्योति जिहड़ी है उसका ज्ञान फैलिया है सारिआं नूं संगतां नूं बहुत बहुत वधाई दिंदे आ। ते हर साल की तरह इस साल भी महाराज की कृपा दे नाल वाल्मीकि मंदिर मकसूदा विखे महाराज दा गुणगान किया गया वा उन्हां दी महिमा दा ते उन्हां दा एक अटूट लंगर जिहड़ा वरताया जा रहा है श्री तरसेम लाल भागरा दे सहयोग नाल ते समूह संगतां दे सहयोग दे नाल जिहड़ा बागरा परिवार है वह हर साल की तरह इस साल भी जिहड़ा महाराज ने उन्हां नूं अपना ही सेवा करन दा जिहड़ा सौभाग्य दिता हैगा वा ते आई संगतां च मैं सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवादी आ। खास करके मेरे वड्डे वीर जिहड़े मेरे भरा भी हैगे आ अपने सिटी वाल्मीकि सेंट्रल वाल्मीकि महासभा जलंधर के प्रेजीडेंट मनीष गिल जी ते यूथ अकाली दल ते प्रेजीडेंट स्टेट मनीष गिल जी जो कि अपनी पूरी टीम के नाल अज इत्थे आए ने उन्हां नूं जी आया आखदा ते नाल ही साढ़े पश्चिम मंडल जलंधर पावर कारपोरेशन के साढ़े उपमंडल अफसर साहबान उपमंडल अफसर माहीरा गेट उपमंडल अफसर पटेल चौंक उपमंडल अफसर मकसूदा ते समूह जई साहबान जिन्हां ने इस लंगर दे विच आ के साडा मान वधाया है ते महाराज दा जिहड़ा उन्हां दी ओट आसरा लिया हैगा उन्हां दा आशीर्वाद लिया ते उन्हां सारिआं दा मैं बहुत धन्नवाद करदा हाँ। ते इसे तरीके नाल परमात्मा त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि महाराज सारिआं ते अपनी जिहड़ी अपना आशीर्वाद इसी तरीके नाल रखण संगतां समूह संगतां जिहड़ीआं देश विदेश सारी जगह वसियां ने उन्हां दीआं सिख्यावां तों आपां जिहड़ी सहनशीलता ते दया दो चीज़ां जिहड़ी आ बहुत जरूरी है जिवें कि उन्हां वल्लों जिहड़े पक्षी क्रोंच दी उन्हां वल्लों उन्हां दी पीड़ा जिहड़ी सही नहीं गई सी ते उन्हां वल्लों संस्कृत च एडा महान ग्रंथ जिहड़ा वा उह रच दित्ता गया श्री राम जी दे अवतरण तों पहलां ही उन्हां वल्लों जिहड़ा रामायण ग्रंथ जिहड़ा संस्कृत दे विच रचिया गया एक इहो जी पूरी धरोहर उन्हां ने संसार नूं दित्ती है ते जिन्हां दी सिख्यावां नूं जे आपां अपने जीवन च अपनाईए तां आपां हरेक तरह की मुश्किलां ते जिहड़ा आपां विजय पा सकदे आ। अंत विच मैं समूह संगतां आई एस संगतां दा धन्नवाद करदा। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दे उपलक्ष विच मैं समूह जन समूह अते महला निवासी ते पिंड वालिआं नूं सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां वाल्मीकि उस उत्सव ते दे रहा हैगा आ। बहुत बहुत वधाइयां बागरा परिवार वल्लों। बागरा परिवार हर साल भगवान वाल्मीकि मंदिर विच लंगर की व्यवस्था करता है। इस साल भी उन्हां दी कृपा दे नाल भगवान वाल्मीकि मंदिर दे विच बागरा परिवार वल्लों लंगर लाया गया। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। धन्यवाद। वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। इस वर्ष भी हर साल की तरह भागरा परिवार वालों अपने वाल्मीकि मंदिर मकसूदा दे विच जिहड़ा भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट उत्सव दे दिवस दे उत्ते लंगर का प्रबंध किया गया है नाले वाल्मीकि जी का गान किया गया है। तो इस वर्ष तो आप मैसेज देना चाहते हैं इस मौके पर कि साढ़े गुरु जी के हाथ के कलम है। सो साडा यही सारा कहना है कि साड़ी जिहड़ी जिन्ने भी साडे पीढ़ियां आ उह सारे एजुकेशन नूं जिहड़ा आ जो उहदे वल नूं कॉन्ट्रीब्यूट करन सारे एजुकेशन नूं आपां प्रमोट करिए। और नाल ही इस मौके पर आपां इक गल कहना चाहुंदे आ कि अपना जिहड़ा एनवायरमेंट आ उह बहुत ही ज़्यादा पल्यूट हुंदा जा रहा है।
ਸੋ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਈਏ, ਹਰਿਆਲੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਪੈਡੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। लाल कुर्ती बाजार जलंधर कैंट में श्री वाल्मीकि मंदिर लाल कुर्ती में भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण की रस्म समाज सेवक अजय कुमार पिवाल द्वारा अदा की गई। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान लाडी मोमा चेयरमैन टोनी खोसरा ने सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पवन वैश, सनी अंसल, पवन अंसल, काका अटवाल, रिक्की अटवाल, सीताराम अटवाल, अमरनाथ गाछी, अर्जुन भोला, बोबी सोहता, चेतन व्यास भी उपस्थित रहे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि पावन अवसर के उत्ते साडे वीर अजय पिवाल जी जो कि सोशल वर्कर दीपनगर भगवान वाल्मीकि मंदिर लाल कुर्ती दे विच अज मुख तौर दे उत्ते साडे मेहमान और इन्होंने दिलों इस मंदिर लई जो सेवा कीती है और सेवा साडे नाल निभाई है। भगवान वाल्मीकि मंदिर रामबाग दीपनगर जलंधर कैंट में श्री वाल्मीकि महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर गुलजार नहर, माली अशोक मोमा, रमेश कुमार, बलदेव राज अटवाल, जगदीश पाची, कृष्ण लाल सोहता, सरोज नहर, एडवोकेट सूरज, अजय कुमार पिवाल, अरुण कुमार, राजेश कुमार खन्ना, विजय कुमार मोमा, मोनू कुमार मित्तल, कमलेश खोसला, अशोक कुमार हंस, मंगतराम सोहता सहित अन्य सिफत पर भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। एकता कनौजिया महासभा जालंधर छावनी की ओर से 19वां वार्षिक माँ भद्रकाली मेला एवं श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन बड़ी धर्मशाला मोहल्ला नंबर 2 जालंधर छावनी में बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें कथावाचक पंडित मंजीत कृष्ण पांडे ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर सोनू ढेसी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माता टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें कमेटी सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधान रॉबिन कनौजिया, चेयरमैन ओम प्रकाश कनौजिया, राजकुमार कनौजिया, रिक्की कनौजिया, रिंकू कनौजिया, कनौजिया महासभा के प्रधान पवन कनौजिया, हैरी कनौजिया, नीटू कनौजिया, अजय कनौजिया, सीताराम कनौजिया सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। कनौजिया महासभा पंजाब वालों जिहड़ा 19वां वार्षिक मेला जिहड़ा कराया जा रहा है, पूरे पंजाब वालों कनौजिया समाज वालों रॉबिन कनौजिया सारे उन्हें टीम नूं बहुत बहुत मुबारक। बहुत वधिया उपराला है ये, हर साल जिहड़ा है बढ़ चढ़ के समाज वास्ते ते साडे कम्यूनिटी वास्ते एक बहुत ही वधिया पछाण बन गई है। असी सारे कनौजिया समाज वालों पूरे पंजाब वालों रॉबिन कनौजिया नूं बहुत बहुत मुबारक देंदे हैं, ते नाल ही उन्होंने परिवार को भी बहुत बहुत मुबारक देंदे हैं, क्योंकि उन्होंने सहयोग नाल ही इन्ना वड्डा जिहड़ा है इकट्ठ ते मेला लगाया जाता है। सारे समाज वालों, साडे परिवार वालों, सारे समाज वालों बहुत बहुत मुबारक। मैं कनौजिया महासभा पंजाब वालों आए हुए सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि कथा के अंदर पहुँच कर और माता महाकाली के मेले पहुँच कर बहुत बहुत उपराग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अज जलंधर कैंट दे विच बहुत धूमधाम दे नाल एकता कनौजिया महासभा वालों 19वां वार्षिक मेला करवाया जा रहा। स्वामी सत्यनारायण जी की कथा बहुत श्रद्धा दे नाल चल रही है और बहुत वड्डे तरीके दे नाल इत्थे सारी संगत जुटी हुई है। सारे ही कमेटी मैंबरान नूं मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। मैं समझदा हाँ कि साडे देश की यही खूबसूरती है कि हर धर्म का हर वर्ग का जिहड़े धार्मिक प्रोग्राम आ उह सारे असीं रल मिल के मनाने और एक गुलदस्ते की तरह जो इकट्ठे होकर रहने, यही साड़ी देश की खूबसूरती है और परमात्मा की अपार बख्शिश है कि असी सारे इकट्ठे
ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਪਣੇ ਉਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿਨ ਕਨੋਜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਨੋਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋਟ ਸਦੀਕ ਮੰਦਿਰ ਕਲੋਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਖਰਾ ਪੁਲ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾਮੁਖੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਡਿਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੌਤਮ ਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਨ, ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਟਸ਼ੋਪਚਾਰ ਪੂਜਨ ਕਰਵਾ ਕਰ ਮੁੱਖ ਜਜਮਾਨੋ ਸੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਡਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਬਜਾਜ, ਮਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਨੀਰਜ ਕਪੂਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਹਿਤ ਬਹਿਲ, ਸੰਜੀਵ ਚੱਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਨੀਸ਼ ਹਾਂਡਾ, ਵਿਜੇ ਹਾਂਡਾ ਸਹਿਤ ਅਨਿਯ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਭਵਯ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਕਤੀਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਕੀ ਜਯੰਤੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਔਰ ਮੱਟੂ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਚੌਂਕ ਮੇਂ ਭਵਯ ਮੰਚ ਲਗਾ ਕਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਲੇ, ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਕਤੀਨਗਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ ਕੋ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਵੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਾ ਗਿੱਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਗਣਮਾਨਿਓ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਸਿਰੋਪਾ ਏਵਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਮੱਟੂ ਗਿੱਲ, ਰੌਕੀ ਗਿੱਲ, ਮੋਹਿਤ ਗਿੱਲ, ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਮਹਿਮੀ ਪਾਰਸ, ਨਵੀਨ ਭਾਗਰਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ, ਗੌਤਮ ਗਿੱਲ, ਮੂਸਾ ਭਾਈ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਵਾਗਰ, ਮਨੀ ਗਿੱਲ, ਨੇਸ਼ੂ, ਦੀਪਕ ਗਿੱਲ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖੇ ਭਕਤਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਚ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ, ਨਿਸ਼ੂ ਮੱਟੂ ਜੀ, ਅਜੇ ਜੀ, ਭਗਾਨੀਆ ਜੀ, ਟਿੰਕੂ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਲਕਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਕੁਸ਼ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਆ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ 4 ਚੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦਇਆਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ।
इस साल भी हर तरह की बस ठीक है भाई। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अज बड़ा खुशिया भरया दिन है भगवान वाल्मीकि महाराज की प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य के विच, और अज 16 तरीक भगवान वाल्मीकि महाराज की शोभा यात्रा जिहड़ी देशा विदेशा दे विच और जलंधर की धरती दे विच बड़ी धूमधाम के नाल मनाई जाती है। और मैं भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान साडे वीर विपन सब्बरवाल जी जिहड़े प्राचीन मंदिर आली महल्ले तो शोभा यात्रा आरंभ करके आली महल्ले दे विच समाप्ति करते हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। हर वाल्मीकि, जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सो भगवान वाल्मीकि जी दे प्रकाश उत्सव दे उत्ते तुहानूं लख लख वधाई। अज इत्थे इन्ने सज्जन इकट्ठे होए ने, दिल दीआं गहराइआं तों सारिआं नूं मैं लख लख वधाई दिंदा। सो भगवान वाल्मीकि महाराज ने साडे समाज नूं ते पूरे देश नूं शुरू तों सेध दित्ती। हज़ारां साल पहलां ऐसे ग्रंथ लिखे जिन्हां दा विचार विमर्श असीं अज तक करदे हां। उस तों बाद इह सारी जो भी उन्होंने मशाल जलाई सी उन्होंने अगे कबीर साहब ने, उस तो बाद रविदास महाराज ने, तो लास्ट से भारत का संविधान बना के बाबा साहब ने अगे तोरिया। तो इन्होंने सारे महापुरशों की बदौलत अज असी शान का आन का मान का जीवन बतीत कर रहे हैं। हर एक अधिकार मिल रहे, हर एक एजुकेशन मिल रही है, तो हर एक जीवन जीन का पूरा अधिकार मिल रहा। कैबिनेट वालों किया गया मेरे नाल सिटी वाल्मीकि सभा के सरप्रस्त चंदन गिरेवाल जी, चेयरमैन राजपाल राजू जी, और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सुभाष सोंधी जी, धर्मपाल जी, और सिटी वाल्मीकि सभा सारे सारे पदाधिकारी मेरे नाल शोभा यात्रा आगाज कर रहे हैं। मैं मेरा वीर सोमा गिल जी जिहड़े पिछले 25 वर्षों तो शहर का सब तो वड्डा मंच लगा के सारे भगवान वाल्मीकि नाम लेवा संगतां नूं सम्मानित करदा, और साल दे विच जिन्नी भी एजुकेशन होंदी है वह मेरे वीर सोमा गिल जी उहदे विच हमेशा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे है, और हमेशा ही समाज की कोई भी गल होंदी है उहदे खिलाफ़ खड़दे ने सोमा गिल जी ते समुची टीम, और जिहड़े पिछले 25 वर्षां तों विशाल मंच लगांदे ने सिटी वाल्मीकि सभा जिहड़ी साडे अमृत खोसला जी ने शुरुआत कीती सी, उन्होंने अज असी श्रद्धांजलि भी दिने उन्होंने अज असी, और सिटी वाल्मीकि सभा वालों सोमा गिल जी की उन्होंने समुची टीम का तहे दिल तो धन्यवाद करते, जिन्हें हमेशा ही वाल्मीकि समाज की कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी किसी ने धक्का हो, सोमा गिल जी उन्होंने टीम हमेशा खड़ी है। अभी जो बोले सो निर्भय, साडे पंजाब की शान, साडे मंत्री PWD हरभजन सिंह जी ETO जी को बेनती करते हैं वो सारी संगत को संबोधन करन और प्रभु का आशीर्वाद। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आज दे इस पवित्र दिहाड़े दे उत्ते जदों कि असी पूरे दुनिया दे विच देश विदेशों दे विच महारिषि भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं, मैं समुची साध संगत नूं महारिषि वाल्मीकि स्वामी जी के पैरोकारां नूं लख लख वधाई देना, नाल भगवान महारिषि वाल्मीकि जी के चरणों के अरदास बेनती करदा हां कि वो साढ़े उत्ते अपना मेहर भरिया हाथ जिहड़ा वो बनाई रखन, असी उन्हां दे नक्शे कदमां दे उत्ते चलदे होए अपना जीवन जिहड़ा उहनूं सफल करिए। महारिषि वाल्मीकि जी ने सानू बहुत उपदेश दिते ने, जिवें कि अपने फर्ज का पालन, अपनी ईमानदारी दे नाल तनो मनो एक चित हो के अपने फर्जा का पालन करना, जे असी उन्हां दे इस विचार नूं ही अगे लैके चल जाइए तो मैं समझदा हां कि इस धरती दे उत्ते भी स्वर्ग जिहड़ा वो स्थापित हो सकता है। उन्होंने दीन दुखियां दी बड़ी पारोपकारता दे नाल और ईमानदारी का सबक जिहड़ा आ सानू सिखाया। सो सानू सारिआं नूं अज लोड़ आ, साडे समाज नूं लोड़ आ कि असी उन्हां दे जो बख्शिश कीतियां गईआं नियामतां ने उन्हां नूं उन्हां दे उत्ते चल के अपना जीवन जिहड़ा आ उहनूं होर अगे वधाईए, अपने बच्चिआं दी पढ़ाई वल खास ध्यान दईए। जदों भी मैं भगवान वाल्मीकि जी का सरूप देखदा हां तो उन्हां दे हथ दे विच कलम आ,
कलम इस गल की प्रतीक आ कि जदों तक साडे समाज के बच्चों के हाथ दे विच कलम नहीं आउंदी, मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई उन्होंने तालीम जी उच्च दर्जे की नहीं होंगी, तद तक साडा समाज जड़ा वह तेजी नाल तरक्की जी नहीं कर सकता। राकेशपुरी जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण प्रभु चरणमी जाविरा च हो गए आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर में किया गया। इस दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साथियों ने वैराग्य कीर्तन कर स्वर्गीय राकेशपुरी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। सबसे मौके पर पूर्व सांसद महेंद्र सिंह के पी, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, भाजपा देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी व पारिवारिक सदस्यों में बेटा दिनेशपुरी, रिधिमापुरी, समीर पल्टा, उपासना पल्टा, सुरेंद्रपुरी, रेणुपुरी, नरेंद्रपुरी, नीतापुरी, अश्विनीपुरी, दीप्तिपुरी सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राकेशपुरी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान लापता हुए 3 नाबालिग बच्चों को 2 घंटों में ढूंढ निकाला, परिजनों की किया हवाले। जंडियारा गुरु के भगवान वाल्मीकि मंदिर में श्रद्धा भाव से मनाएगी वाल्मीकि जयंती। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। श्री राधा गोविंद धाम परिवार की ओर से मनाया गया 23वां शरद पूर्णिमा महोत्सव। प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।